हाय डॉक्टर चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मिले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, लिंग का आकार हर पुरुष की शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है। हर पुरुष चाहता है कि उसका लिंग स्वस्थ और मजबूत होने के साथ साथ लंबाई में भी अच्छा हो, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि लिंग का आकार ना सिर्फ सेक्स का आनंद लेने में काम आता है बल्कि ये आप में आत्मविश्वास भी बनाए रखता है। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और गलत दवाइयों और तरीकों को दिखाकर अपने पैसे वसूल करते हैं। बात पैसों की नहीं है, विश्वास की है, क्योंकि लिंग के आकार का मुद्दा पुरुष की भावनाओं से जुड़ा होता है और वो बहुत विश्वास से किसी पर भरोसा करता है। इसलिए सेवाएं देने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वह इस भरोसे को बनाए रखें, ना कि कुछ पैसों के लिए इसे तोड़ दें। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसे आप घर पर रहते हुए कर सकते हैं और इसे लगभग 3 महीने तक करना है। 3 महीने के बाद आपके लिंग के आकार में कुछ सेंटीमीटर या इंच का बदलाव ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, अप एंड डाउन। सबसे पहले लिंग को ऊपरी सिरे से पकड़ें, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट या ढीला ना पकड़ें। फिर लिंग को घुटनों की दिशा में धीरे धीरे खींचें। आप लिंग में सॉफ्ट खिंचाव महसूस करेंगे। 20 से 30 सेकंड तक लिंग को इसी तरह घुटनों की दिशा में खींचे रखें। इसके बाद लिंग को नाभि की दिशा में खींचें और 2 से 30 सेकंड तक रोके रहें और फिर लिंग को नॉर्मल छोड़ दें। दिन में 2 बार आपको इस एक्सरसाइज को करना है। दूसरी एक्सरसाइज, रोटेटिंग स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। सबसे पहले लिंग को सिरे से बाहर की ओर खींचें। आपको हल्का खिंचाव महसूस होने लगेगा। जैसे ही खिंचाव महसूस हो, लिंग को नीचे से ऊपर की ओर खींचें। अब लिंग को पहले 3 सेकंड तक बाएं घुमाएं, फिर दाएं और फिर 30 सेकंड तक इसे घुमाए रखें। इस खिंचाव से आपके लिंग की मसल्स खुलेगी और आकार में फायदा होगा। तीसरी एक्सरसाइज, जेल किंग। ये एक्सरसाइज काफ़ी सरल और इफ़ेक्टिव है। यह आपके लिंग की कठोरता और साइज में सुधार करती है। इसके लिए सबसे पहले लिंग को टाइट करें। अब लिंग को पकड़ें और दूसरे हाथ से लिंग के बाहरी हिस्से की ओर मालिश करें, जैसे हस्त मैथुन होता है। मालिश भी उसी दिशा में होगी। एक बार जेल किंग करने में 2 से 3 सेकंड का वक्त लगाएं और इसे करने में बिल्कुल भी जल्दी ना करें। इससे लिंग पर खून का बहाव बढ़ने में मदद मिलेगी और लिंग वक्त के साथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चौथी एक्सरसाइज, केगल। इस एक्सरसाइज से लिंग मजबूत और मोटा होता है। इसे करने के लिए आपको लगभग 10 मिनट का समय चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी पीसी यानी पपोकोसिगेस मसल्स की पहचान होनी चाहिए। आप अपने यूरिन को रोककर इस मसल की पहचान कर सकते हैं। यूरिन को रोकने वाली मसल आपकी पीसी मसल होती है। इस मसल को 5 सेकंड के लिए पकड़कर छोड़ दें। इसके बाद गैप लें और जितनी बार चाहे इसे दोहराएं। इसे हर दिन लगभग 10 मिनट तक आपको करना है। पांचवी एक्सरसाइज, अपोजिट स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले लिंग को नीचे से हल्के हाथ से पकड़ें, फिर दूसरे हाथ से अपने लिंग के बेस को ओक के ग्रिप से पकड़ें। अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचें, यानी हाथ को सिर के पास ऊपर की ओर और हाथ को बिना किसी दर्द के नीचे की ओर बेस के पास खींचें। आपको केवल खिंचाव महसूस होगा, लेकिन कोई दर्द नहीं होगा। लगभग 30 सेकंड के लिए इसे पकड़ें और फिर रिलैक्स करें। अगर आपको भी लगता है कि आपका लिंग छोटा या पतला है तो ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करें। आप किसी एक्सपर्ट से सलाह भी ले सकते हैं और इन एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ताकि हम और बेहतर विषयों को आपके पास लेकर आएँ। धन्यवाद।